आप सब आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलो करते हैं आज का दिन शुरू। तो आज जानते हैं कि आज अमावस्या है और अमावस्या भी पितृ देवताओं की आज आखिरी दिन है। तो जो भी मतलब भूला जैसे भी किसी की हम तिथि को भूल जाते हैं कनावतों में श्राद्धों में, तो वो अमावस के दिन उनका खाना निकाल के उनके नाम का तो उनसे क्षमा मांग लेते हैं कि हम भूल गए हमें माफ़ कर देना। तो आज अमावस्या है तो मेरे घर में भी आज बन रही है खीर पूड़ी और पेठे की सब्जी बना रही हूँ मीठे वाली। तो मैंने खीर रख दी है बननी, आटा मैंने लगा दिया है, सब्जी मैंने छौंक दी है। तो मैं अब थोड़ी देर में मिलती हूँ, पहले मैं कनावत का काम ख़त्म कर लेती हूँ। आज मैं आप सबको ना बाहर हमारे यहाँ मार्केट लगी हुई है नवरात्रों के और सारे पूजा का सामान वहीं पे मिल जाता है, तो हम भी वहीं से लेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे कि हर त्यौहार पर यहाँ कैसी कैसी दुकानें लग जाती हैं हमारे घर के सामने भी और पूरी मार्केट में भी, तो दिखाएंगे आप सबको। और आज हम भी जाएंगे गाजियाबाद, देखते हैं कहाँ पर जाएंगे। खीर बन रही है, बस थोड़ी सही है, बस बनने ही वाली है खीर। और यार इसमें पेठे की सब्जी बन रही है, ये हमारा आटा लगा रखा है पूड़ी का और यहाँ पे हमारा तेल हो रहा कढ़ाई में गरम, तो हम बना लेते हैं खाना। और चाय वाय भी हम जब ही पियेंगे जब हमारा पितरों का काम हो जाएगा, तो पेट में ना गुड़र गुड़र हो रही है तो पहले पितरों का काम खत्म कर लेते हैं फिर मिलते हैं। हमने ना अपना कनागत का जो खाना है वो बना के तैयार कर दिया है और मेरी सासू जी ने ना वो कौओं को और गाय को रख दिया है ऊपर और मेरी बन रही है अब चाय। अब मैं पीऊँगी चाय और 12 बज गए हमें इसी काम में करने में, और तो कल से व्रत चालू हो जाएंगे। और मेरी चाय शायद देखती हूँ उबल रही है क्या, अभी ना मेरी रसोई फैली हुई पड़ी है अभी नहीं उबल रही है। चाय पी लेती हूँ, बिना चाय पिए तो बिल्कुल ही दम सा निकल रहा है। और मैं जाऊंगी आज मार्केट, थोड़ा सा मार्केट में काम है और फिर वहाँ भी जाना है मुझे आज कवि नगर के मेले में। और मैंने कल आपको बताई थी ना कि नवरात्रों की यहाँ पे दुकानें लग जाती हैं, एक दुकान तो मेरे घर के सामने लगी है, एक मेरे घर के बगल में लगी है। बगल वाली तो मैं नीचे जाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी और सामने वाली मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखो देख रहे हैं ये वाली दुकान लग रही है, एक यहाँ पे ये लगी हुई है जिस पे नीचे पन्नी सी है। तो अब हम जब मैं नीचे जाऊँगी ना तब दिखाऊँगी, और सारी चुन्नी उन्नी सब लगी हुई हैं और अभी तो भीड़ नहीं है। और आज ना हमारे यहाँ पे ना सांझी भी लगती है, वो भी नौ देवियों की एक अवतार है, उसे भी हम ना शाम को लेके आएंगे तो वो शाम को लगाई जाएगी और उसका भोग लगेगा आज खीर पूरी से, क्योंकि आज अमावस थी और खीर पूरी भी हमने बनाई थी। रात के टाइम होगी ज़्यादा भीड़ क्योंकि सब खरीदारी करेंगे, हम भी शाम को ही लेंगे। अभी जा रहे हैं चाय पी के मार्केट, मार्केट से लेना मुझे आज एक प्रेशर कुकर लेना है, तो आज मैं वो ख़रीद के लेके आऊँगी। तो फिर शाम के टाइम जाएंगे हम कवि नगर के मेले में, तो वो मेला भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। मनु अभी कहीं गया है, चुनमुन भी कहीं गई है, उसे भी शॉपिंग करनी है आज। तन्नु भी चली गई है घर पर, मैं फिलहाल अकेली हूँ और मनु तब आ जाएगा ना तब जाऊंगी मैं। किसी की स्कूटी मांग ली है हमने और स्कूटी से जाएंगे। और मौसम तो आज कुछ काफ़ी साफ हो रहा है, मतलब धूप तो नहीं है पर वैसे मौसम साफ है। और कपड़े जो मेरे अंदर के हैं सोच रही हूँ इन्हें बाहर डाल ही देती हूँ, नहीं तो अब मैं चली गई तो ये कहीं गीले ना हो जाएं कि बारिश आ जाए रास्ते में बाद में मेरे से पीछे, क्योंकि लड़की भी नहीं है तो तन्नु चुन्नु कोई सी भी नहीं है घर पे। तो देखती हूँ कपड़ों के बारे में, या तो ये सूख गए इनकी तह लगा के रख देती हूँ, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो दोस्तों हमारी चाय बन गई, हम अपने चाय को छान लेते हैं।
चलो फिर चाय पी लेते हैं जो हमारी जान से ज़्यादा प्यारी हो गई है। इसके बिना तो जैसे ज़िंदगी नहीं रही भाई। चाय तो इम्पोर्टेंट क्षेत्र हो गया है, क्या करें भाई। सही बोलते हैं ना शराबियों से शराब छोड़ दो भाई, शराबियों से। तो यही कंडीशन है ना भाई, शराबी कैसे शराब छोड़ देगा जब हम चाय नहीं छोड़ सकते। तो समझो चाय मिल गई, भगवान मिल गए। बच्चे बोलते हैं मम्मी बहुत ज़्यादा चाय की शौकीन होगी। वैसे मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती, सुबह मैं 2 चाय ले लेती हूँ और शाम को बस 1-3 चाय पीती हूँ पूरे दिन में। वो भी हर रोज़ नहीं पीती हूँ, किसी किसी दिन 3 हो जाती, नहीं 2 तो कंपल्सरी है, 2 तो पीनी ही पीनी है सुबह शाम, किसी दिन तीसरी भी हो जाती है। 1:12 बज गए हैं चाय पीने में। मिलते हैं बाद में। क्या क्या सामान है? एक झांझी और ले आती, झांझी भी रख लेती। कहाँ है? अच्छा लाओ तो लाओ, लाओ लाओ, मुझे जाना ना पड़ेगा वहाँ। बस यही है नारियल हैं, चुन्नियाँ हैं, मालाएं हैं, तेल तिल का। कैसे दे भैया ये वाली छोटी वाली? 170 की। और ये बड़ी वाली? और ये वाली? माँ तरह नहीं है ये भी, और क्या ऐसी तो बना है। पर वो बड़ी बना है ना देव, उसका दीवार पे ये छोटी बना रखी, ये इनका फर्मा होगा, उसमें बना कर दिए तैयार। हाँ गांव में तो दीवार पे बना है काफी बड़ी बड़ी। हाँ ये 50 की लगेगी भैया, 50 कर दी बेटा। यहाँ पे हमने झांझी माई को ले लिया है, बड़े भैया से ले रहे हैं। वो देखते हो भीड़ में लड़का मुझसे पूछ रहा है ये क्या लगा रखा है मोबाइल में। मैंने लगा रखा है ये माइक का, वो धनिया ले रही हूँ तो बहुत फ्रेश धनिया। ये दे दी तू लो भैया, कैसे रखूं इन ना। आम के पत्ते या के पत्ते खरीद रहे हैं दिया। कर दियो ये ले आए हैं और उनको लगा देते हैं, तो आपको दिखाएंगे हम। पहले उनके सारे सामान की तैयारी कर देते हैं।
तो अगर हमारा से वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और जो हम आज वीडियो बताई थी आपको, हम गाजियाबाद जाएंगे मेले में, वो तुम्हें अगले ब्लॉग में मिलेगा, कल की ब्लॉग में मेले की वीडियो मिलेगी आप सबको। गाजियाबाद जब हम गए थे मेले में, उसका ब्लॉग बना के लाए हैं, वो आपको कल मिलेगी। तो तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बड़ों का ध्यान रखो, छोटों उनका, और तब तक